ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਖਨੇਤਰ ਦਲੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਦਿੱਕਤ ਪਾਣੀ 2014 ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਫਲੱਡ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੋ ਖਾਤਾ ਨਾ ਨਹਿਰ ਨਾ ਕੋ ਸਿਰਮੰਦ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੈ ਬਸ ਥੋੜਾ ਮੋਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਪਿਛਾ ਢਾਕਾ ਸ਼ਾਕਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਬਸ ਗਈ ਆਈ ਘਰ ਮੁੜਿਆ ਕੋ ਤੋਜੇ ਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨਹੀਂ ਤੋਜੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋਜੋ ਖਾਲ ਦੋ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਜਾਏ ਅਗਰ ਵੈਤ ਆਈ ਜਾਂ ਨਾ ਵੈ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕੁਨੀਆਂ ਪੁੱਲ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਬਲਿਕ ਜੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਪਰ ਕਿਤਨਾ ਆਰਾਮ ਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਸਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਫਸਲ ਮੱਕਾ ਸ਼ਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਬਸ ਕਿਧਰੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਹੋਣੀ ਪਾਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਕੱਲ ਮਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਸਾਣੀ ਨੇ ਖਾਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਮਾਕਣਾ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੱਢ ਵੀ ਛੜੀ ਥੋੜੀ ਮੁਝ ਹੋ ਗਈ ਬਾਕੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਪ ਪੈਦਾ ਰੋਣਾ ਬਸ ਖਤਮ ਆਖਣਾ ਇਹ ਜਾਣਾ ਜਨਾਬ ਇਸਕੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਗਦਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਾਂ ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਸਤਾ ਹੈ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਸਲ ਕਿਤਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਾਏ ਕੁੰਡਲਾ ਨਾ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਰਕਵਾਈ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਰਕਵਾ ਕੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਮੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਗਣੀ ਕੁੱਲ ਬੜੇ ਤੱਕ ਬੜੇ ਬੁੱਧਾ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਪਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਮਦਾਰ ਹੈ वक्त पास कर रहे हैं जरा भी आना है चोर ही आना जरा भी आना है रुपया 10 लाख लिया 20 लाख लिया नहर सफाई कराई है लेकिन क्या है एक आदमी नहीं लाना 2 आदमी मशीन लाई आई और जेसीबी एक दिन सफाई कर गए मैं के गया था मुड़ा देखा नहर सफाई कर गई है लेकिन तू साफ करो है मी लेकिन तू साफ करो मैं ठीक है ऐसी कर सकेंगे कि पैसा ऐसे देख लो ऐसा कर सकता देखो नहर टूटी हुई जगह जगह छिकाफ हो जैसा इसमें पानी आया बारिश हुई तो नहर बूंद जैसी जगह जमीन जड़ी तबाह बर्बाद हो जा रही है पीछे तो नहर ही पानी नहीं आ रहा पीछे थी नहर ही लोगों से बात कर छुड़ी है उन्होंने पीछे नहर भी लोगों बीच बाथरूम बना दे मकान बना दे मैं देखा मैं परसों जब गया भी जगह कमरा बनाया नहर बीच मोहम्मद अमीन जी किस तरीके नहीं अमीन जी परेशानी आ रही परेशानी है ये जी पानी नहीं और देखो परेशानी नहीं जी ये बुना काफी मांग शंग है जेड़ा लोग काफी खजल है ते इस वजह से डीसी साहब जी सारी ये गुजारिश है कि चलो इसने थोड़ा पानी जड़ी है नहर तावन करन चलो इस जेड़ा पानी जेड़ा हो जाए ते ये जमीन किस तरह लाने हो तो साडे पानी कर रहे हैं जी थोड़ा मुझे के करा फिर हूं मजबूरी मारे फसल जो सीधा होना नहीं उतना आकाश हो जाना है बस मक बस कड़वी छड़वी हो जानी और देखो जो साड़ी ये बस गुजारिश है डीसी साहब चलो इस ना चलो तावन कर ये जड़ी नहर है इसने थोड़ा जा चलो पानी मोड़ा चलो वो ही बड़ी गई कौन आया महकमा जी को का रोड़ा भी आ गड़ी और आए था उतर गया सही जितनी भी नहरें हैं उनमें पानी नहीं है किसान बहुत ज़्यादा परेशान है उसको ये बड़े दुख से कहना पड़ता है कि मतलब 2014 में एक फ्लड आया था और बहुत सारी नहरें जो हैं बहुत बड़ा फ्लड था वो ऐसे फ्लड 50 साल में 100 साल में एक बार आते हैं तो 2014 का जो फ्लड था वो कोई 100 साल के बाद इतना बड़ा फ्लड आया था जिसने बहुत बड़ी तबाही की थी और बहुत सारी नहरें इरीगेशन की जितनी भी नहरें थी तबाह हो गई थी उसमें एक नहर थी जो खनेतर से जो कुनिया तक आती है वो बुरी तरह से डैमेज हो गई थी और बड़े दुख से ये कहना पड़ता है आज 10 साल गुजर जाने के बाद भी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने उसका ना DPR बनाया और ना उसको रेस्टोर किया और जिसके नतीजे के तौर पर हज़ारों कनाल जो है एग्रीकल्चर लैंड तबाह हो चुका है राइट फ्रॉम खनेतर से लेके कनोइया तक आप देखें लाखों कनाल ज़मीन है यहाँ पर एग्रीकल्चर होती थी जहाँ पर मक्की की फसल होती थी धान की फसल होती थी गंदम की फसल होती थी और नहर को रेस्टोर न होने के कारण वो सारी फसल जो है तबाह हो रही है एग्रीकल्चर लैंड जो है डे बाई डे कम हो रहा है और ये खतरे की निशानी है अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन पूंछ में ऐसा आएगा जब ये गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है फ्री राशन जब फ्री राशन खत्म हो जाएगा तो हमारे पास राशन के लिए ज़मीन नहीं बचेगी अगर किसान चाहेंगे भी फसल उगाना वो नहीं उगा पाएंगे क्योंकि ज़मीन सारी जो है वो बंजर हो जाएगी और उसमें मैक्सिमम हमने देखा है कि यहाँ पर लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और बगैर परमिशन के आजकल एक नया रूल आया है कि बगैर परमिशन के एग्रीकल्चर लैंड पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता लेकिन धड़ल्ले से यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन चल रही है एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो रहा है आने वाली पीढ़ियाँ हमारी क्या करेंगी अगर ऐसा ही चलता रहा सारे ज़मीनों पर कंस्ट्रक्शन होगी सारी ज़मीनों पर जो है
रोड्स बन गए और तरह तरह की चीजें अगर बन जाती हैं तो अल्टीमेटली ये है एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो जाएगा और आने वाला वक्त जो है हमारे लिए एक बहुत मुश्किल वक्त होगा। आने वाली जनरेशनों के पास खाने के लिए राशन नहीं मिलेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम बंद हो जाती है जो फ्री राशन की या जो गवर्नमेंट राशन दे रही है या किसी और वजह से हिंदुस्तान में राशन की कमी हो जाती है बाकी स्टेटों में जहाँ से राशन आता है तो हमारे पास जो राशन कल्टीवेट करने के लिए फसलें कल्टीवेट करने के लिए लैंड ही नहीं बचेगा। तो मेरी यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और रेवेन्यू अथॉरिटीज से ये पुरजोर अपील है वो जो भी यहाँ पर परमिशन इशू करते हैं वो एग्रीकल्चर की लैंड को मद्देनजर रख कर दें परमिशन, अदरवाइज तो ये ऐसा एक दिन ऐसा आएगा एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म हो जाएगा और हमारी जान के लाले पड़ जाएंगे, हम लोग हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हमें एग्रीकल्चर लैंड से फसलें सब्जियाँ आप देख रहे हो सब्जियाँ जो हैं सारी जम्मू से आती हैं यहाँ पर कल्टीवेट नहीं होती, उसका नतीजा यही है कि डे बाई डे जो है कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो रहा है। हम सब्जियों पर भी निर्भर नहीं है यहाँ पर, वो सब्जियाँ जम्मू से आती हैं श्रीनगर से आती हैं जो पंजाब से जो सब्जी आती है वो हमारे लोग खाते हैं यहाँ पर। इसी तरह जितनी फसलें होती थी आज देखो आप पूंछ का चावल होता था बासमती होती थी चावल की, आज एक किलो चावल पूंछ की बासमती चंड की बासमती सबसे ज़्यादा मशहूर होती थी, आपको एक किलो चावल चाहिए होगा वो नहीं मिलता। जो एक्चुअल चावल यहाँ के 100 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग जो लोग उगाते थे वो भी खत्म हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है आशा आशा ये जो मक्की की फसल है ये भी खत्म हो जाएगी जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो अगर रेवेन्यू अथॉरिटी ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया, इस पर पाबंदी नहीं लगाई, एग्रीकल्चर लैंड को रोका नहीं, तो अल्टीमेटली एक ऐसा दिन आएगा आने वाली जनरेशन को खाने के लिए राशन नहीं मिलेगा। तो मेरी दोबारा फिर से अपील है कि इस नहर को इमीडिएटली रेस्टोर किया जाए ताकि हज़ारों का कनाल जो ज़मीन बंजर हो रही है आज किसान रो रहे हैं उनको पानी नहीं है। किसान भी क्या करेगा, वो बेचारा पानी के बगैर जो उसकी फसल नहीं हो सकती, धान की फसल तो इस वक्त धान का सीज़न चल रहा है। तो ये जो जितनी भी नहरें हैं हमारी, ये नहर है दिगवार वाली नहर है, सभी नहरें जो है वो उनकी प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस नहीं हो रही है, ना डिपार्टमेंट उसकी तरफ देखता है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे सबसे बड़े ऑफिसर जो हैं यहाँ पर यासीन चौधरी साहब हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, उनसे गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ का संज्ञान लें और जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्ट करें कि जो भी नहरें जिनसे एग्रीकल्चर होती है उनको इमीडिएटली रेस्टोर किया जाए ताकि हमारे किसान आने वाले वक्त में मुश्किल से बाहर निकल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें ये जो बेंच से लेकर नीचे कनुइया तक आ रही है जो नहर है ये खनेतर की हमारी पूल है जो ये पीछे से आती है जो रोड साइड में इसका भी काम जो है हमें एक दो दिन के अंदर टेकअप करना है जिसमें डीसिल्टिंग का काम होगा। वो बेसिकली कन्वर्जेंस में करना था नरेगा वालों को, बीडीओ ब्लॉक्स को भी हमने उनके साथ डिस्कस किया तो उनको बोला है कि जल्दी से जल्दी इसको करें पीछे से क्योंकि हमने इसको रिस्टोर कर दिया है। एक्वाडक्ट तक पानी हमारा चल रहा है, मेन रोड में अभी पानी हमारा जो है पूरी तरह से नहीं पहुंचा है, उसकी वजह है कि उसके अंदर सिल्ट है जो कि हमने नरेगा को अप्रोच किया एज़ पर दी गवर्नमेंट गाइडलाइंस, वो डीसिल्टिंग का काम जो है वो नरेगा के थ्रू करवाना है इन कन्वर्जेंस में। तो नरेगा से कल अप्रोच किया था बीडीओ साहब को भी एडब्ल्यू साहब ने, तो उन्होंने अश्योर किया कि एक दो दिन में हम वो काम लगा देंगे। तो जैसे ही वो काम स्टार्ट होगा होपफुली जो है पानी हमारा क्रॉस होके तो इस साइड आ जाएगा। प्लस एक हमारा प्रोजेक्ट है खनेतर का, खनेतर बेला का, वो भी हमने टेकअप लास्ट ईयर प्रपोज किया था लेकिन ड्यू टू सम फंड्स के कंस्ट्रेंट की वजह से वो वहाँ से अप्रूव नहीं हो पाया। इस साल वो प्रोजेक्ट भी अप्रूव हो गया हमारा, तो इस साल मतलब हम कोशिश करेंगे कि उसको भी जल्द से जल्द उसका टेंडर करके जहाँ पे भी इस पुल को रिपेयर की ज़रूरत है जहाँ पे लीकेजेस वगैरह हैं उसको हम जल्द से जल्द उसको रिपेयर करके और लोगों को पानी की पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस साल अभी इमीडिएटली जैसे ही डिसिल्टिंग हो जाएगी पानी हम जो है पहुंचाने की पूरी कोशिश है हमारी कि कई टेम्परेरली जो हमारा पूल जो है वो फंक्शनल हम कर दें, बाकी जो पक्का काम है वो तो टेंडरिंग होने के बाद ही शुरू होगा। तो होपफुली विद इन इस महीने के अंदर अंदर मतलब 15-10 दिन के अंदर अंदर मुझे लगता है कि पूल का जो है पानी हम क्रॉस करके तो इस साइड में आ जाएंगे। देखें अब यहाँ पे जो एंक्रोचमेंट वगैरह तो हुई हुई है, पुरानी भी हुई हुई है, तो उसके लिए हमने इनको नोटिसेस वगैरह सबको दिए हुए हैं ऑलरेडी। लोगों को कहा गया है कि भाई बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी, अब आगे कोई भी पूल की जो एरिया है उसमें आप कंस्ट्रक्शन मत करें, और अगर कोई आपने कोई ऊपर आपने कोई
ब्रिज अपना छोटा सा डालना, फुट ब्रिज वगैरह कोई भी डालना अपने पुल के ऊपर, तो उसके लिए प्रायर परमिशन ले लें ताकि डिपार्टमेंट को आगे से डिसिल्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े।